अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ फॉर्चूनर जी वेरिएंट जो न्यूली लॉन्च हुआ है अभी पाकिस्तान में। सो हमारे साथ अहमद वकास साहब हैं जो टोयोटा केंट मोटर्स पे असिस्टेंट सेल मैनेजर हैं और हमें हेल्प करेंगे इस रिव्यू करने में। सो सबसे पहले सर बताएं कि जो वेरियंट्स हैं एग्जिस्टिंग वो कौन से आ रहे हैं फॉर्चूनर में? एग्जिस्टिंग दो वेरियंट्स थे, एक पेट्रोल था 2.7 और एक डीजल था सिग्मा 4 के नाम से 2.8 जो आ रहा था। पहले सिंपल पेट्रोल जो था वो उसमें मतलब कोई उसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था, अब उसको फॉर्च्यूनर वी का नाम दे दिया और ये जो नया जो है ये फॉर्च्यूनर जी के नाम से आ रहा है। नॉर्मली जो टोयोटा का ये होता है जो वी वेरिएंट होता है वो अप वेरिएंट होता बिल्कुल है, और जी होता है लो जी आप, हाँ बिल्कुल लो वेरिएंट होता है, लो वेरिएंट। तो हम चलते हैं विदाउट फर्दर डू इसके जो की डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर। फ्रंट में एक तो मेन डिफरेंस जो है वो हेडलाइट का है, इसमें हेलोजन हेडलैम्प्स हैं जो उसमें आ रहे थे, जो प्रीवियस जो वर्जन है पेट्रोल का उसमें एलईडी हेडलैम्प्स थे, दोनों में बाईबीम हेडलैम्प है। उसके अलावा डीआरएल का डिफरेंस है, जो पहले वाला जो वर्जन है वी जो है उसमें डीआरएल जो है वो आपको बिल्कुल टॉप पे ऊपर मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल टॉप पे आपको डीआरएल नज़र आता था, उसमें इसमें डीआरएल जो है वो उन्होंने चेंज वो वाला डीआरएल ख़त्म कर दिया। अभी जो है वो आप देख रहे होंगे सामने एक आपको ऑन नज़र आ रहा होगा बल्ब, ये थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स पोजीशन है। पहले ऐसी गाड़ियों में जो है वो नॉर्मली वो वाइट लाइट में एलईडी लाइट में हाँ उस तरह ही यूज़ होते हैं, बिल्कुल इसमें थोड़ा चेंज किया, इसमें उन्होंने बल्ब दे दिया है, इसको ही बेसिकली डीआरएल बोल रहे हैं वो। उसके अलावा दूसरा डिफरेंस जो है वो फॉग लाइट्स का आ जाता है, उनमें जो दोनों जो प्रीवियस जो चल रहे थे वेरियंट्स उनमें एलईडी फॉग लैम्प्स हैं, इसमें हैलोजन फॉग लैम्प्स हैं, इसमें हैलोजन बल्ब एक नजर आ रहा है। हाँ जी वो उसमें एलईडी था, इसमें अब हैलोजन। बाकी जो है बाकी फ्रंट जो है वो सेम है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है, और इंजन भी सेम है, इंजन भी सेम है, पेट्रोल वेरियंट और इसका सेम सेम दोनों 2.7 पेट्रोल वी और जी दोनों में इंजन सेम है। ठीक है, तो हम गाड़ी की प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, इसमें क्या की डिफरेंसेज हैं? इसमें जी टायर साइज़ का डिफरेंस आ जाता है, जो प्रीवियस दोनों वेरिएंट्स आ रहे हैं उनमें 18 इंचेस का है टायर, इसमें 17 इंचेस का है, और रिम का डिज़ाइन डिफरेंट है, 18 वाले का रिम डिफरेंट है, ये जो अभी नया जो है इसमें रिम डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट आ रहा है, बाकी सिमिलर है बाकी। हाँ जी साइड से और कोई डिफरेंस नहीं है कोई भी गाड़ी। तो पीछे चलते हैं जी, बैक से जो है आप सिर्फ इसमें आपको जो है वो जो इसका एक मोनोग्राम जो है जी का वो सिर्फ एक एडिशनल इसमें है चीज़ जो कि पहले इसमें पेट्रोल में नहीं आ रहा था, वो जस्ट 2.7 का आपको नज़र आता था उसमें मोनोग्राम, और बाकी बूट इसका जो है वो उसमें भी मैनुअल है, प्रीवियस जो पेट्रोल वेरिएंट है और इसमें भी मैनुअल ही है, और सिर्फ जो 1GD इंजन वाला है 2.8 डीजल। हाँ जी उसमें सिग्मा में जो उसमें पावर बूट है, उसमें पावर बूट है। सो हम अंदर चलते हैं और अंदर डिफरेंस। हाँ जी बिल्कुल, इंटीरियर में जो मेजर डिफरेंस है वो लेदर का है, जो प्रीवियस जो आ रहा था उसमें लेदर इंटीरियर था और कलर का भी वो लाइट ब्राउन शेड में था, अभी जो इसमें जो इंटीरियर आ रहा है ये डार्क ब्राउन है और फैब्रिक है, इसके डोर ट्रिम्स भी फैब्रिक में है, उसमें डोर ट्रिम जो है वो लेदर में थे, इसमें डोर ट्रिम फैब्रिक है और ये बहुत ज़्यादा ब्राउन है, डार्क लाइट में तो बिल्कुल ही डार्क ब्राउन शेड है, ब्राउन है हाँ। और इसी तरह सेम जो है वो सीट फैब्रिक का भी यही कलर है, बट वो फैब्रिक उसका प्रीमियम फैब्रिक यूज हुआ है सीट्स में, इसमें जो फैब्रिक है वो भी डार्क ब्राउन है। हाँ जी सो ये भी डार्क ब्राउन है और काफी डार्क ब्राउन है, मतलब रात अंधेरे में तो ये बिल्कुल ब्लैक है। हाँ ये बिल्कुल ब्लैकिश लुक आएगी। सीट्स का डिफरेंस है, उसमें पावर सीट्स हैं, इसमें पावर सीट नहीं है, जो पेट्रोल है उसमें सिर्फ ड्राइवर सीट जो है वो पावर थी, सिक्स वे पावर सीट, इसमें पावर नहीं है, मैनुअल सीट है, बट हाइट एडजस्टमेंट है, हाइट एडजस्टमेंट बिल्कुल है इसमें, बाकी एसी का कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही बाकी सिस्टम है, कोई इंटीरियर में जो है कोई और मेजर डिफरेंस ऐसा नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसकी प्राइस के तरफ चलते हैं, प्राइस में क्या डिफरेंस है? प्राइस जो प्रीवियस जो पेट्रोल था जो अभी अब वी के नाम से है वो उसकी प्राइस जो एक्स प्लांट है वो है 79.99 और एक्स लाहौर वो 80.39 का वो कॉस्ट करता है। अच्छा ये जो वेरिएंट है इसकी प्राइस उससे 7 लाख का डिफरेंस है, ये एक्स प्लांट प्राइस इसकी 72.99 है और एक्स लाहौर जो है वो 73.39 में ये कॉस्ट कर रही है गाड़ी। सो आई थिंक मेरे ख्याल से टोयोटा को इसलिए ज़रूरत पड़ी कि लो वेरिएंट एक इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि प्राइसेस जो थी बहुत ऊपर जा रही थी और कंपेटिटिव नहीं रह रही थी,
और ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बगैर भी ये गाड़ी हाँ, फिर बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब इन इन फीचर्स से जो है गाड़ी के कंफर्ट में या ड्राइविंग में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप कहें कि वो कोई मतलब हेडलाइट से गाड़ी के जो है वो ड्राइविंग में कोई डिफरेंस आ रहा है या सीट्स जो है वो फैब्रिक करने से कोई डिफरेंस आ रहा है कोई ड्राइविंग में या कंफर्ट लेवल में, शायद कुछ लोगों को फील हो बिकॉज कुछ लोग लेदर को ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग फैब्रिक पसंद करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लाहौर पंजाब के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली तो पिरल से फैब्रिक ज्यादा सूटेबल रहता है। फैब्रिक बिल्कुल, क्योंकि वेदर जिस तरह का यहाँ पे है वो आपको मतलब लेदर सीट्स जो है वो गर्मियों में ज्यादा वो हीटेड हो जाती है, सर्दियों में भी इसी तरह से टेम्परेचर उस पे इफेक्ट आता है, बट फैब्रिक में वो चीज नहीं है। लेकिन ये कि ये जितने भी चेंजेस हैं उस हिसाब से जो प्राइस डिफरेंस जो दिया है टोयोटा ने, प्राइस डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू फीचर्स, तो मतलब एक अच्छा एक एडिशन किया है उसमें फॉर्च्यूनर फैमिली में, कि एक मतलब एक थोड़े लो प्राइस में जो लोग यूज्ड कार की तरफ जाना चाह रहे थे, जो यूज्ड फॉर्च्यूनर परचेज करते थे, एक साल या दो साल पुराना फॉर्च्यूनर परचेज करते थे, उनके लिए ये एक अच्छा एडिशन है। मतलब यूज्ड फॉर्च्यूनर आपको 65 से 70 और इस रेंज में मिलता था, बल्कि 70 प्लस में भी मिलती गाड़ी आपको। तो मतलब रीसेल इसकी बहुत तेज है, इसका मतलब हाँ, तेज भी और ज्यादा भी है। बिल्कुल, फॉर्च्यूनर की रीसेल अच्छी है। आप यूज्ड कार भी अगर लेने जाते हैं तो वो आपको अच्छी गाड़ी जो है वो 65-70 प्लस में मिलती है, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज है कि वो यूज्ड के बजाय जो है वो एक ब्रांड न्यू गाड़ी की तरफ आएंगे, उसी प्राइस रेंज में जो है वो उनको एक 0 मीटर गाड़ी मिल जाएगी और एक अच्छी चीज मिल जाएगी उन्हें। चलें, थैंक यू सो मच अहमद वकास साहब, आप हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, जब भी नई कोई गाड़ी आती है तो उसके बारे में गाइडेंस देते हैं और रिव्यू में हेल्प करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप भी फॉर्चूनर जी में इंटरेस्टेड है तो बाक व्हील्स की ऐप डाउनलोड करें, उसका न्यू कार सेक्शन में जाके फॉर्चूनर जी की डिटेल स्पेक्स और फीचर्स और प्राइस अपडेटेड प्राइस देख सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर टैप करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।